तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर का यहां पर एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो आउट हो चुका है। तो यहां पर हम जो संभावित परीक्षा कार्यक्रम है 23-24 के लिए वो देखेंगे। आज 22 सितंबर है, ये जारी किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर देखिए राज्य अभियांत्रिकीय सेवा परीक्षा 22 संभावित दिनांक इन्होंने 8-10-23 दी हुई है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा मेंस के लिए दोस्तों 30-10 से 4-11 तक के बीच में ये दी हुई है। वहीं पर बात करें दोस्तों एमपीपीएससी प्री 2023 के लिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है ये नोटिफिकेशन में भी दिया जा चुका था कि 17-23 को ये एग्ज़ाम होने हैं। वहीं पर सहायक प्राध्यापक परीक्षा 22 के लिए यहाँ पर 28-1-24 के लिए यहाँ पर इन्होंने संभावित तिथि दी हुई है। कराधान सहायक परीक्षा 22 के लिए 25-2-24 दी हुई है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 23 के लिए इन्होंने 11-3-24 से 16-3-24 संभावित तिथि बताई गई है आयोग द्वारा। वहीं पर राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 जो बताई गई है वो 28-4-2024 बताई गई है। यानी कि दोस्तों 23 वाला जो है आपका प्री का वो होगा आपका दिसंबर में, और 24 वाला जो प्री है वो आपका होगा 28-4-24 में। वहीं पर सहायक प्राध्यापक परीक्षा जो है 22 वाली वो आपका 26-5-24 संभावित की गई है। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, उसी के साथ साथ अन्य जो सब्जेक्ट हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देखें जो टीप दी गई है, उपयुक्त परीक्षा कार्यक्रम पूर्णतः संभावित है। उसके साथ साथ ये इसमें जो है परिवर्तन भी किया जा सकता है। साक्षात्कार यानी कि आपका इंटरव्यू कार्यक्रम पृथक से घोषित किया जाएगा, उसके लिए अलग से डेट जो है वो आएगी। उसी के साथ साथ न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम परिवर्तनीय रहेंगे, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो वहीं पर ये अच्छी खबर भी है दोस्तों, संभावित तिथि यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। वहीं पर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें।